दोस्तों उम्मीद है वो पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको जरूरत पेश आएगी टू हायर योर फर्स्ट एंप्लॉ समझ लग गया हो या लग समझ गया हो इधर केस मसला मेरा पूरा हो गया जनाब अब हाउ टू हायर एन अप्रोप्रियट टैलेंट आपको जरूरत है क्रिएटिव राइटर की एक मिसाल डोंट टेक इट एज के मैं कोई ऐसी जॉब थ्रो कर रहा हूँ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल वट विल यू डू वो क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखोगे आप एज एन एम्प्लॉयर जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं टू हायर योर फर्स्ट एम्प्लॉय वो क्या स्किल होनी चाहिए उनमें वो क्या खसूसियात होनी चाहिए उनमें कि वो अप्रोप्रियट चॉइस बन जाए बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाए आपके एम्प्लॉई बनने में देखिए मैं पर्सनली क्या करता हूं मैं ये करता हूं कि आई हायर अ रिसोर्स जो कि मेरे दफ्तर के प्रेमिस के नियर बाय होती है मोस्ट प्रॉब्ली जो मैंने फॉर्मूला रखा हुआ है ना वो मैंने रखा हुआ है पाँच किलोमीटर का ये मेरा दफ्तर है इसके चारों तरफ पाँच किलोमीटर के रेडियस में अगर मुझे कोई रिसोर्स मिल जाए मेरी अवलिन तरजीह होती है क्या मैं उसको हायर करूँ बिकॉज ट्रैवलिंग टेक्स अ टोल आउट ऑफ योर बॉडी ट्रैवलिंग थकाती है अंदाज़ा लगाते हैं बिगनर है अगर मिडी क्लास फैमिली है तो एन मुमकिन है कि मोटरबाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए काम पर जाएँ तो वो जो हैसल है वो अगर आप मिनिमाइज कर दो कम्यूट की जिसको कहते हैं सफर अगर सफर ही खत्म कर दें, तो पीछे रह के जाता है बंदा फ्रेश आएगा सुबह के वक्त चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो और वो अपने काम पे तो दे पाएगा ये तो हो गया जनाब रिड्यूसिंग द कम्यूट टाइम ये पहला फैक्टर है जो एक एम्प्लॉय को हायर करने में मद्देनजर रखना चाहिए रिड्यूसिंग द कम्यूटिंग टाइम कि उसका सफर कम से कम होना चाहिए अब दूसरी बात जेंडर इसके आगे क्रॉस लगाना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर बनिए जैक माँ कहता है अली बाबा का सीईओ कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा ख़ुत को हायर किया और मेरे लिए बात बड़ी सरप्राइज़ थी बट लॉजिकल जवाब ये था कि खातन जो भी काम करती हैं वो दिल से करती हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी खुवा मुस्कराना शुरू कर दें और मर्द हजरात जो है वो बरहम हो जाए मेरे इस कमेंट पे मैंने नहीं कहा ये हैं जैक साहब इनसे पूछ लीजिए अली बाबा में इनकी जो एम्प्लॉ रेशो है वो खातीन की ज्यादा है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए यू शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर जो अच्छा टैलेंट है उसको हायर कीजिए ये क्या हम इक्कीसवीं सदी में सोच रहे हैं कि मर्द ही को हायर करना है अगर आप मर्द हैं या औरत ही को हायर करना है अगर आप खातून हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो टैलेंट है उसको उसका हक मिलना चाहिए तीसरी बात जनाब स्किल स्किल क्रिएटिव राइटर आपने हायर करना है और आप उनकी स्किल देखना चाहते हैं दो तरीकों से आप स्किल चेक कर सकते हैं एक आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे उस पोर्टफोलियो को जांच पड़ताल करेंगे कि इनका सिलेक्शन ऑफ वर्ड कैसा है इनका लिखने का अंदाज क्या है जिसको हम कहते हैं अंदाज बयान वो जांचना वो परखना बहुत जरूरी है इनकी थॉट प्रोसेस कितनी अच्छी है यानी कि आया ये क्रिएटिव राइटर समुंदर को कूजे में बांध कर सकता है कि नहीं वरना किसी एक टॉपिक पे लिखने के लिए पांच हजार सफ़े भी कम पड़ जाएं और किसी टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से कंसाइज़ली लिखें तो पांच सौ करेक्टर इनफ बहुत ज्यादा होते हैं तो ये राइटर के लिखने के अंदाज से डिपेक्ट होती है ये बात कि वो कितना अच्छा राइटर है दूसरा तरीका अपना एम्प्लॉय हायर करने का स्किल से रिलेटेड गिव एम अ टेस्ट वंस यू गिव देम अ टेस्ट क्या आप कहें जी लिखिए यहां पे यह टॉपिक है मैं आपका तरीका देखना चाहता हूँ जाहिर है वो उस थॉट प्रोसेस पे नहीं होते कि वो टेस्ट दें स्कूल की तरह आप एम्प्लॉय हायर करें कोई स्कूल में स्टूडेंट को क्लास में इनरोल नहीं करे बट यह बात बहुत ज़रूरी है कि उनके एटीट्यूड आपका फैसले पे नज़रअंदाज हो जाता है यानी कि अगर वो कहे हाँ सर मैं अभी लिखने के लिए तैयार हूं भले वो थॉट प्रोसेस ना आए लिखने के लिए एक माहौल चाहिए एक इन्वायरमेंट चाहिए कोई भी काम करने के लिए माहौल चाहिए इन्वायरमेंट चाहिए सरकमस्टांसिस चाहिए अंदर से खुशी चाहिए आ, बाहर के गम को रिमूव करना है तभी तो मैंने बात की कि उसका सफ़र कम से कम हो दोनों सफर इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी तो जनाब जब आप किसी को टेस्ट के लिए आजमाते हैं और अगर वो विलिंगनेस शो करता है या करती हैं, तो यहीं पे यकीन जानिए आपका फैसला आसान हो जाता है कि ये काम करने के लिए रजामंद हैं, ये काम करने के लिए शो अप करेंगे ये काम करने के लिए अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं ये तीन फैक्टर अमूमन मैं देखता हूं यकीन जाने इसमें जो तीन सब्सिडरी यानी कि नॉन इंपॉर्टेंट सेकेंडरी फैक्टर्स हैं उनको तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा एज अ एम्प्लॉयर मैंने कभी नहीं देखा कि वो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है या वो किसी अच्छे स्कूल का पढ़ा हुआ है सो स्कूलिंग रियली डज नॉट मैटर मैंने ये नहीं देखा कि उनका जीपीए क्या था बैचलर्स में या मास्टर्स में मैंने ये नहीं देखा कि उनका फैमिली इन्फ्लुएंस क्या है कि उनके वालिद क्या किसी आला ओहदे पे फाइज हैं ये सब चीजें सेकेंडरी हैं व्हाट मैटर्स इज एक्सपीरियंस कितना है काम कितना किया है पोर्टफोलियो खुद बोलता है कि नहीं बोलता और बंदे की विलिंगनेस है काम करने की अगर आप उसको टेस्ट के लिए वादा करें अगर वो फॉरन कहे कि नहीं सर अभी मूड नहीं अभी मैं तैयार नहीं मेंटली प्रिपेयर नहीं यकीन जाने वो बाद में भी यही बातें होंगी सो so, ये वो तरीकाकार हैं जिनको यूज करते हुए जो मैंने एज एन एम्प्लॉयर एज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी सीखा कि आप अपना रिसोर्स आप अपना एम्प्लॉय हायर कीजिए